यहाँ एक एक माँ का एक एक बेटा है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्ध सैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। हम कहते हैं आपका दायित्व बनता है, हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी, दी होगी। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं, उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे, अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है, आप संविधान की रक्षा कीजिए। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का? इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा और आगे भी हमारे जवान है, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से है, हम भी अपने हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो जो देश को आज दुख तस्वीरें देखने में सामने आए, और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। अब केंद्र के पाले में, वो आने वाले समय में क्या फैसला करते हैं।